जो इसराइल है वो इसराइल को एक पालतू गुंडा के रूप में अमेरिका ने रखा है, और अमेरिका जो पूर्व पश्चिम मध्य के जो देश हैं या फिर उसके निकटवर्ती यूरोपीय देश हैं या एशिया के पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, उसमें से जिन भी देशों को उसको साजने की इच्छा होती है तो वह अपने पालतू गुंडा इसराइल का वो इस्तेमाल करता है और इसराइल के माध्यम से उनको साजने का वो प्रयास करता है। इसलिए ये सर्वविदित है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंतर्गत इसराइल जो है वह एक रंगदारी की प्रवृत्ति के रूप में अपने आप को पेश करता है, और उसी घटना का उसी मनोवृत्ति का ये अंजाम है कि अभी जो आक्रमण किए गए और जो फिलिस्तीनियों को मारा गया, उनको बेबस किया गया, उनको कई तरह की माने उनको संकट में डाला गया। लेकिन ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत अपने आज़ादी के काल से लेकर के और 2014 के पहले तक वो फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंध अच्छा रहे। जब वहाँ के नेता यासिर अराफात साहब भारत आए भी थे, काफ़ी सम्मान भारत में उनको दिया गया था, और हमारे भी लोग जब फिलिस्तीन गए थे तो उनको भी काफ़ी सम्मान दिया गया था। इसलिए फिलिस्तीनी लोगों को भारत के साथ एक बहुत ही मधुर संबंध रहा है। ये मोदी जी की सरकार अमेरिका पक्षी सरकार है, चूँकि अमेरिका के साथ हमारे देश के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, स्वतंत्रता के पहले भी स्वतंत्रता के बाद भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे, और अभी जो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है ये कंप्लीट जो है वो अमेरिका पक्षी सरकार हो गई है। और इसलिए जब ये सरकार की नीति अमेरिका पक्षी है तो अमेरिका का पालतू गुंडा जो है वह इसराइल है, इसलिए भारत की सरकार आज इसराइल का समर्थन कर रही है। लेकिन इससे पूरी दुनिया के अंदर मानवता की रक्षा में शांति की बहाली में जो भारत का अपना एक इमेज था उसको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम समझते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और निश्चित रूप से भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पर चिंतन मनन करना चाहिए, और जो हमारा पंचशील का सिद्धांत जो हमारा विदेश नीति का आधार रहा है वो तो आज बीजेपी है और जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, यह वो बीजेपी नहीं है जिस बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग रहे। अटल बिहारी वाजपेयी और वाणी जी जैसे लोग जो नेता रहे या मुरली मनोहर जोशी जैसे जो लोग नेता रहे, उनका एक ब्रॉड सेंस था, वो संविधान में आस्था रखने वाले लोग थे। संविधान के अंदर जो देशी और विदेश घरेलू और विदेश की जो नीति निर्धारित की गई है उसमें आस्था रखने वाले लोग थे, इसलिए वो समझते थे इस बात को। लेकिन अभी जिस बीजेपी का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं है जो पिछले वाली बीजेपी थी। इसलिए उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त किया और इस बात को कबूल किया कि इसराइल जो है वो अपनी गुंडागर्दी फिलिस्तीनियों पर कर रहा है, और इसराइल फिलिस्तीन की जो जमीन इसराइल छेक करके रखा हुआ है उसको वापस होना चाहिए, वहाँ शांति बहाल होनी चाहिए। ये उनका जो हमारे संविधान के दायरा में जो सोच आता है और हमारी विदेश नीति का जो आधार है उसके सोच के हिसाब से था। लेकिन इन लोगों को जो अभी भाजपा का नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं, इनको तो न भारतीय संविधान में विश्वास है न भारत की विदेश नीति में इनको विश्वास है। ये एक अलग तरीका से एक एनार्कीजम का शासन ये चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी एनार्कीजम का नतीजा इजराइल भी एनार्कीजम मान रहा है और उसी पॉलिसी को मानने वाले ये लोग भी हैं इसलिए एनार्कीजम मान रहे हैं, और ये दोनों एनार्कीजम मानने वालों का टीम लीडर आज अमेरिका जो है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, अभी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, ये दर्जनों देश हैं जहाँ के हजारों हजार की संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतर करके और फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं और फिलिस्तीन के रक्षा की बात कर रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में सर्वविदित है कि इसराइल जो है वो गुंडागर्दी कर रहा है, लेकिन ऊपर से मोदी जी नौटंकी करते हैं, वो नेतन्याहू के साथ हाथ मिलाने का सवाल हो या अरबी कंट्री के किसी मुस्लिम शासक के साथ हाथ मिलाने का सवाल हो या सऊदी अरब के खलीफा के साथ हाथ मिलाने का सवाल हो, ये तो दिखाते हैं कि भाई हम ऊपर से बहुत साफ सुथरा हैं, हम सेकुलर लोग हैं, हम इस्लाम या मुस्लिम लोगों को भी साथ लेकर के चलने हैं, लेकिन इनके जेहन में जो बातें हैं वो साफ साफ इनके जेहन में बातें ये छिपी हुई है कि ये नस्लवाद के समर्थक लोग हैं और नस्लवाद के आधार पर ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्मवाद के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, और इसलिए आज ये इसराइल का समर्थन कर रहे हैं और फिलिस्तीन के बारे में ये कुछ बोलना है। चूंकि इनकी अब स्थिति हो गई है कि जो इन लोगों को लगता था कि कुछ देश जो है सो हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन उनकी तटस्थता जो हुई है या फिर जो आपको मध्य एशिया के जो मुस्लिम राष्ट्र हैं
जो फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हैं, या दूसरे देशों की जनता जो फिलिस्तीन के समर्थन में उतरी है, या फिर चाइना के ऊपर इनका जो विश्वास था, वो चाइना भी जो है वो एक तरह से रशिया और चाइना जो है वो भी फिलिस्तीन का एक तरह से समर्थन कर रहा है। इजराइल के बारे में ये तुरंत बोल दिए, 3 महीना के बाद 1.5 मिनट के लिए इन्होंने मणिपुर के बारे में जुबान खोला था, 3 महीना के बाद में, और तुरंत घटना पर इजराइल और फिलिस्तीन के सवाल पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। चूंकि अपने आका को ये दिखाना चाहते थे, अमेरिका को ये दिखाना चाहते थे कि आपका जो ये भक्त जो है मोदी, ये पूर्णतः आपके प्रति समर्पित है, आप इस दुनिया में इजराइल के माध्यम से जिसके ऊपर भी डंडा चलवाने की आप कोशिश कीजिए, डंडा चलाइए, किसी को साजने का काम कीजिए, तो अमेरिका का साथ भारत है। अमेरिका के प्रशासन को, अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए इस तरह की त्वरित प्रतिक्रिया मोदी जी के द्वारा व्यक्त की गई। तो जैसा कि आप जामी और देख रहे हैं साथ पब्लिक न्यूज, जिस तरह से 7 अक्टूबर को जिस तरह से खासतौर पर हमास के लड़ाकों ने जिस तरह से अटैक किया, खासतौर पर जो जिस हालात जो बना हुआ, खासतौर पर पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फलिस्तीन और इसराइल में जो जंग इस वक्त हो रहा है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया दो फारसी हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा सफर कोई किया है या कर रहा है तो वो फलिस्तीन के आवाम हैं, फलिस्तीन के लोग हैं। जैसे कि पिछले बताया जा रहा है, पिछले 12 सालों में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा फलिस्तीनी एक तरह से शहीद हो गए हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि 30,000 से ज्यादा मासूम बच्चे को एक तरह से इसराइल ने मार दिया है। ओवरऑल क्या कहेंगे आप, सीपीआई के नेता हैं, जिला मंत्री पश्चिमी चंपारण हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से भारत का स्टैंड हमेशा फलिस्तीन के साथ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा कि अरबों के जमीन मध्यपुर में जो फलिस्तीन के जमीन को इसराइल ने कब्जा कर कर रखा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एट अ टाइम पोरो इसराइल दिख रहे हैं, और जबकि हमेशा भारत का एक तरह से ट्रेडिशन रहा है कि हमेशा फलिस्तीन को सपोर्ट करना, जबकि वो सदियों से आके रहते जा रहे हैं, और जो कहा जाता है कि जो फलिस्तीन को लगातार फलिस्तीनी लोगों लगातार इसराइल मार रहा है, उस पर कुछ नहीं होता है। जब अगर अपने अपना सेल्फ डिफेंस में अगर फलिस्तीन के लोग कुछ लड़ते हैं तो उसको आतंकवाद कहा जाता है। थोड़ा इसे पूरा सिनेरियो को थोड़ा समझाएं मुझे। देखिए, आपके चैनल का स्वागत है, और जहां तक इसराइल और फिलिस्तीन का सवाल है तो मुझे जहां तक स्मरण है कि जब हम लोग अपने स्टूडेंट राजनीतिक जीवन में थे, उस समय हम लोगों ने हिंदुस्तानी फिलिस्तीनी भाई भाई का नारा लगाया करते थे, और फिलिस्तीन के साथ हमारे देश का बहुत ही मधुर संबंध रहा है, क्योंकि हमारे देश की जो विदेश नीति है वो पंचशील पर आधारित है, और उस पंचशील में एक सिद्धांत आता है, सह अस्तित्व का सिद्धांत, उसको बखूबी हमने पालन किया, और उस सह अस्तित्व के सिद्धांत के आधार पर फिलिस्तीन के साथ हमारा संबंध अच्छा रहा। लगातार पिछली सरकारें अपने संबंध को बना करके रखी, कई बार जब फिलिस्तीन के ऊपर संकट गहराए, उसकी नाकेबंदी की गई, वहां के लोग भूख से मरने की स्थिति में आ गए, तो मुझे जहां तक स्मरण है कि भारत से पनिया जहाज से वहां के लोगों को खाने के लिए खाद्यान्न भी भेजा गया था और अन्य चीजें भी भेजी गई थी। ये हमारा संबंध रहा। जो इसराइल है वो इसराइल को एक पालतू गुंडा के रूप में अमेरिका ने रखा है, और अमेरिका जो पूर्व पश्चिम मध्य के जो देश हैं, या फिर उसके निकटवर्ती यूरोपीय देश हैं, या एशिया के पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, उसमें से जिन भी देशों को उसको साजने की इच्छा होती है तो वह अपने पालतू गुंडा इसराइल का वो इस्तेमाल करता है, और इसराइल के माध्यम से उनको साजने का वो प्रयास करता है। इसलिए ये सर्वविदित है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंतर्गत इसराइल जो है वह एक रंगदारी की प्रवृत्ति के रूप में अपने आप को पेश करता है, और उसी घटना का, उसी मनोवृत्ति का ये अंजाम है कि अभी जो आक्रमण किए गए और जो फिलिस्तीनियों को मारा गया, उनको बेबस किया गया, उनको कई तरह की माने उनको संकट में डाला गया। लेकिन ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत अपने आजादी के काल से लेकर के और 2014 के पहले तक वो फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंध अच्छा रहे। जब वहां के नेता यासिर अराफात साहब भारत आए भी थे, काफी सम्मान भारत में उनको दिया गया था, और हमारे भी लोग जब फिलिस्तीन गए थे तो उनको भी काफी सम्मान दिया गया था। इसलिए
फिलिस्तीनी लोगों को भारत के साथ एक बहुत ही मधुर संबंध रहा है, लेकिन हमारी जो वर्तमान सरकार है, मोदी जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार अमेरिका पक्षी सरकार है। चूंकि अमेरिका के साथ हमारे देश के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, स्वतंत्रता के पहले भी, स्वतंत्रता के बाद भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे, और अभी जो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है ये कंप्लीट जो है वो अमेरिका पक्षी सरकार हो गई है। और इसलिए जब ये सरकार की नीति अमेरिका पक्षी है तो अमेरिका का पालतू गुंडा जो है वह इजराइल है, इसलिए भारत की सरकार आज इजराइल का समर्थन कर रही है। लेकिन इससे पूरी दुनिया के अंदर मानवता की रक्षा में, शांति की बहाली में जो भारत का अपना एक इमेज था, उसको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम समझते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और निश्चित रूप से भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पर चिंतन मनन करना चाहिए, और जो हमारा पंचशील का सिद्धांत, जो हमारा विदेश नीति का आधार रहा है, उसको निश्चित रूप से। लेकिन जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी खास तौर पर अपने आइडियोलॉजिकली तौर पर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो मतलब कि वाजपेयी साहब थे, उनको एक तरह से अपना मानती है, मतलब रहनुमा मानती है, उन्हें एक तरह से बड़ा प्रेजेंट करती है, लेकिन उनकी जो फिलिस्तीनियों के लेकर उनका जो ख्याल था, उनका बात अपने भाषण में भी सुना, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की बात क्यों नहीं मान रहे हैं बीजेपी के नेताओं, ऐसा क्यों मतलब कि तुरंत सपोर्ट कर देना, जबकि बड़ा परंपरागत संबंध रहा है फिलिस्तीनियों से अरबों से। देखिए जो आज बीजेपी है और जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, यह वो बीजेपी नहीं है जिस बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और वानी जी जैसे लोग जो नेता रहे, या मुरली मनोहर जोशी जैसे जो लोग नेता रहे, उनका एक ब्रॉड सेंस था। वो संविधान में आस्था रखने वाले लोग थे। संविधान के अंदर जो देशी और विदेश, घरेलू और विदेश की जो नीति निर्धारित की गई है, उसमें आस्था रखने वाले लोग थे, इसलिए वो समझते थे इस बात को। लेकिन अभी जिस बीजेपी का नेतृत्व तो मोदी जी कर रहे हैं, ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं है जो पिछले वाली बीजेपी थी। इसलिए उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त किया और इस बात को कबूल किया कि इजराइल जो है वो अपनी गुंडागर्दी फिलिस्तीनियों पर कर रहा है, और इजराइल फिलिस्तीन की जो जमीन इजराइल चेक करके रखा हुआ है उसको वापस होना चाहिए, वहां शांति बहाल होनी चाहिए। ये उनका जो हमारे संविधान के दायरा में जो सोच आता है और हमारी विदेश नीति का जो आधार है उसके सोच के हिसाब से था। लेकिन इन लोगों को जो अभी भाजपा का नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं, इनको तो न भारतीय संविधान में विश्वास है, न भारत की विदेश नीति में इनको विश्वास है। ये एक अलग तरीका से एक एनार्कीजम का शासन ये चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी एनार्कीजम का नतीजा इजराइल भी एनार्कीजम मान रहा है, और उसी पॉलिसी को मानने वाले ये लोग भी हैं, इसलिए एनार्कीजम मान रहे हैं। और ये दोनों एनार्कीजम मानने वालों का टीम लीडर आज अमेरिका जो है वो बैठा हुआ है। आप टीम लीडर कह रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि नेतन्याहू और प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े ही पकिया दोस्त है, बोला बलगहियां करते हैं, तो क्या देखते हैं दोनों? देखिए ये बलगहियां दोनों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ इंडिया में, तो एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, वहां पर संविधान बदल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को अंडर कंट्रोल कर रहे थे, नेतन्याहू तो बड़ा प्रदर्शन हुआ, थोड़ा बताएं। आप देखेंगे कि ये बलगहियां किससे करते हैं किससे नहीं करते हैं कहना बड़ा मुश्किल है, ये चूंकि नौटंकीबाज है। एक तरफ गलबहियां करते हैं, एक तरफ आपने देखा होगा कि गांधी के मूर्ति पर माला भी चढ़ाते हैं और नाथूराम गोडसे को भी पूछते हैं, तो ये लोग नौटंकीबाज हैं। अभी जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हुआ, अभी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, ये दर्जनों देश हैं जहाँ के हजारों हजार की संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतर करके और फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं और फिलिस्तीन के रक्षा की बात कर रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में सर्वविदित है कि इजराइल जो है वो गुंडागर्दी कर रहा है, लेकिन ऊपर से मोदी जी नौटंकी करते हैं, वो नेतन्याहू के साथ हाथ मिलाने का सवाल हो, या अरबी कंट्री के किसी मुस्लिम शासक के साथ हाथ मिलाने का सवाल हो, या सऊदी अरब के खलीफा के साथ हाथ मिलाने का सवाल हो, ये तो दिखाते हैं कि भाई हम ऊपर से बहुत साफ सुथरा हैं, हम सेकुलर लोग हैं, हम इस्लाम या मुस्लिम लोगों को भी साथ लेकर के चलने हैं। लेकिन इनके जेहन में जो बातें हैं वो साफ साफ इनके जेहन में बातें ये छिपी हुई है कि ये नस्लवाद के समर्थक लोग हैं, और नस्लवाद के आधार पर ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्मवाद के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, और इसलिए आज ये इसराइल का समर्थन कर रहे हैं और फिलिस्तीन
के बारे में ये कुछ बोलना, चूंकि इनकी अब स्थिति हो गई है कि जो इन लोगों को लगता था कि कुछ देश जो है सो हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन उनकी तटस्थता जो हुई है या फिर जो आपको मध्य एशिया के जो मुस्लिम राष्ट्र हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हैं, या दूसरे देशों की जनता जो फिलिस्तीन के समर्थन में उतरी है, या फिर चाइना के ऊपर इनका जो विश्वास था, वो चाइना भी जो है वो एक तरह से रशिया और चाइना जो है वो भी फिलिस्तीन का एक तरह से समर्थन कर रहा है। तो अभी मोदी जी की स्थिति जो है इसराइल और फिलिस्तीन के सवाल पर हास्यास्पद हो गया है, और वो सिर्फ इसलिए डटे हुए हैं या इसराइल के साथ एकजुटता की बात कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका से इनका लगाव है और बाइडेन आज के डेट में इसराइल के साथ हैं, इसलिए मोदी जी की भी मजबूरी बनी हुई है कि वो बाइडेन की बात को काट नहीं सकते हैं, इसलिए वो इसराइल का समर्थन करते हैं। लेकिन यह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय विदेश नीति के बिल्कुल प्रतिकूल। लेकिन एक और दो सवाल आपको पूछना चाहूंगा कि बड़े ही सवाल जवाब लोग कर रहे हैं, लोग देश के अच्छे आवाम, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तुरंत स्टैंड ले लिए, मतलब कि जो फिलिस्तीन और इसराइल में जो लड़ाई हो रहा है, लेकिन मणिपुर पर चुप थे और गोदी मीडिया मणिपुर में नहीं गई, वो चले गए इसराइल में, को क्या कहना चाहते हैं? वो भी एक तरह से आतंकवाद कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसे मणिपुर पर ध्यान देकर? देखिए, मणिपुर तो इसलिए ये लोग नहीं गए, या न इनकी गोदी मीडिया गई न प्रधानमंत्री गए, क्योंकि मोदीपुर में तो आग इन्हीं लोगों का लगाया हुआ है, सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है। और हास्यास्पद स्थिति तो ये हो गई कि जब मणिपुर की घटना को संभालने के लिए सेना के जवानों को भेजा गया तो मणिपुर की पुलिस ने सेना के जवानों पर FIR किया। तो ये तो साफ स्पष्ट हो गया कि आज जो मणिपुर ये 4-5 महीने से जल रहा है, इसके लिए वहां की बीजेपी की सरकार और इनकी नीति जो है वह जिम्मेवार है, इसलिए ये मणिपुर लोग नहीं गए। लेकिन चूंकि इजराइल इनका मीडिया का लोग चला गया, इजराइल के बारे में ये तुरंत बोल दिए, 3 महीना के बाद 1.5 मिनट के लिए इन्होंने मणिपुर के बारे में जुबान खोला था, 3 महीना के बाद में, और तुरंत घटना पर इजराइल और फिलिस्तीन के सवाल पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। चूंकि अपने आका को ये दिखाना चाहते थे, अमेरिका को ये दिखाना चाहते थे कि आपका जो ये भक्त जो है मोदी, ये पूर्णतः आपके प्रति समर्पित है, आप इस दुनिया में इजराइल के माध्यम से जिसके ऊपर भी डंडा चलवाने की आप कोशिश कीजिए, डंडा चलाइए, किसी को साजने का काम कीजिए, तो अमेरिका का साथ भारत है। अमेरिका के प्रशासन को, अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए इस तरह की त्वरित प्रतिक्रिया मोदी जी के द्वारा व्यक्त की गई है। अच्छा, एक और लास्ट सवाल, प्राइम थी जिस तरह से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने एक तरह से फिलिस्तीन के बारे में कहा था कि जिस तरह से मतलब हिंदुस्तान के लिए ये मिट्टी हिंदुस्तान के लिए है, उसी तरह अरबों के जो फिलिस्तीन है उनका वो जमीन है, तो क्या कहेंगे? तो गांधी ने बोला, कंसेप्ट क्लियर कहा था, लेकिन कुछ गोडसेवादी लोग हैं जो वो नफरत के बीज को बढ़ाना चाहते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? गांधी ने बहुत ही स्पष्ट क्लियर कर दिया था, कितना मधुर संबंध बताया था, कहीं ना कहीं आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब गांधी की तुलना ऐसे लोगों से करना मैं समझता हूं कि ये बेकार है। गांधी तो महान थे, राष्ट्रपिता थे, उनकी दृष्टि भी बहुत दूरदृष्टि थी और उन्होंने बहुत कुछ देखा था और उनको भी था कि भाई उनको भी अपनी मिट्टी से प्यार था, तभी अफ्रीका से पढ़ने के बाद और वहां वकालत और बैरिस्ट्री करने के बाद वो हिंदुस्तान में आए और उन्होंने सेवा किया। तो उनके दिमाग में ये बात निश्चित रूप से रही होगी कि हर आदमी को अपनी मिट्टी से प्यार करना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने फिलिस्तीनियों के फिलिस्तीन की मिट्टी से प्यार को दर्शाया। लेकिन ये जो गोडसेवादी जो लोग हैं, उनके विचारों पर चलने वाले जो लोग हैं, इनको तो कहीं ना कहीं इनको नफरत का बीज पैदा करना है। नफरत की राजनीति इनका आधार है, इनके जीने का आधार है, इनके राजनीति का आधार है, इसलिए ये लोग इस तरह की बात आज इसराइल के सवाल पर पैदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको तो गांधी से भी कोई मतलब नहीं है, संविधान से भी कोई मतलब नहीं है, विश्व में शांति से भी कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो उस समय भी कह रहे थे कि मोदी हीरो हैं, रूस और यूक्रेन के युद्ध के सवाल पर मोदी जी चाहेंगे तो रूस और यूक्रेन के युद्ध का निपटारा कराया जा सकता है। आज तक रूस और यूक्रेन का युद्ध का निपटारा नहीं हुआ, और रूस और यूक्रेन का युद्ध भी जो है वह जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, जो नाटो
अमेरिका देश जो है वो नाटो के देश जो इस रीजन में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं उनका प्रभाव नहीं बढ़े, इसलिए रूस जो है यूक्रेन के खिलाफ में लड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन में नाटो अपना सेंटर स्थापित करना चाहता था, तो उधर यूक्रेन का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता था अपने लठैत के रूप में, इधर इजराइल का इस्तेमाल वो पहले से भी करते आ रहा है लठैत के रूप में, और हमारी सरकार जो है वो मोदी जी की जो सरकार है अपनी जो दुरंगी नीति उस सरकार की जो है जो नफरत की राजनीति जो इस सरकार की है उस नफरत की राजनीति पर आज इसको इस एजेंडा का वो इस्तेमाल कर रही है और इजराइल के पक्ष में वो बात बोल रही है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हाँ। और भारत के लोग फिलिस्तीन के साथ है। एक लास्ट सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा, बड़ा ही अफसोस की आलम होता है कि किसी घर का जनरेशन या किसी देश के भविष्य मासूम बच्चे होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बमबांडिंग हो रहा है अस्पतालों पर, जो इसराइल बमबांडिंग कर रहा है लगातार, आपने मैंने कहा कि रिपोर्ट्स भी आया है कि लगभग 12-15 साल के जो रिपोर्ट है उसमें 1.5 लाख से ज्यादा आवाम फिलिस्तीनियों को मार दिया है इसराइल ने और 30,000 मासूम बच्चे, तो बड़ा ही अफसोस एक तरह से, हाईली इसको क्रूअल एंड ब्रूटल कहेंगे तो क्या कहेंगे ये, क्यों क्या आपको लग रहा है कि ये गाजा को घेर देना, लाइन बिजली काट देना और जो एक तरह से प्रतिबंधित जो वार में इस्तेमाल होता है जो मिसाइल हो या फास्फोरस का इस्तेमाल इसराइल कर रहा है, तो क्या लगता है कि मतलब कि उस पर कोई पाबंदी नहीं हो सकता है कोई सब के? नहीं, निश्चित रूप से पाबंदी हो सकता है और मैं समझता हूँ कि इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको इसमें संज्ञान लेना चाहिए, निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी आज अमेरिका के दबाव में है और इस तरह की जो मानवता शर्मसार की जा रही है, कभी छोटी मोटी घटनाएं घटती है तो मानवाधिकार का नाम लेकर के अमेरिका चिल्लाना शुरू करता है या दूसरे देश जो हैं वो चिल्लाना शुरू करते हैं, लेकिन घोर उल्लंघन आज के इस 21वीं सदी में ये फिलिस्तीन के साथ जो घटना घट रही है, वहां के निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, वहां के नागरिक सुविधाओं के स्थल को नष्ट किया जा रहा है, ये तो घोर मानवता के अधिकार का उल्लंघन है और इस पर निश्चित रूप से जो विश्व के अंदर शांति प्रेमी लोग हैं, चाहे वो यूएन हो या दूसरे संगठन के लोग हैं, उनको निश्चित रूप से इस पर अमल करना चाहिए और इस तरह के युद्ध पर रोक लगाने के लिए, इस तरह जो इजराइल अपना खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, इसको दिन दहाड़े के गुंडागर्दी का